दोस्तों मनोज दे के साथ बुरा हो रहा है। कुछ लोग उसके चैनल को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रिपोर्ट पे रिपोर्ट करे जा रहे हैं। एंड ये कुछ लोग मतलब नॉर्मल एक दो लोग नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक ग्रुप बना रखा है एंड वो ग्रुप बार बार उसके चैनल को रिपोर्ट कर रहा है। एंड मनोज दे ने खुद ये सारी चीजें जो है वो शेयर किया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम मनोज दे को हेल्प कर सकते हैं, इनफैक्ट हमें हेल्प करना चाहिए क्योंकि हम भी एक यूट्यूबर है एंड आप भी एक यूट्यूबर हो। जो चीजें आज मनोज दे के साथ हो रहा है वो चीजें हो सकता है कल आपके साथ हो, मेरे साथ हो, किसी के भी साथ हो। तो जो लोग ये चीज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं बार बार मनोज दे के चैनल पर जाकर, उसके वीडियोस को रिपोर्ट किया जा रहा है। मनोज दे का चैनल आप देख सकते हो बिल्कुल डाउन हो चुका है, लास्ट 7 दिन से वो वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि उसके चैनल पर स्ट्राइक वगैरह थे। हालांकि मैंने इसके बारे में कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि स्ट्राइक तो यूट्यूब ने दिया है, तो वहां पर वीडियो बना के मैं कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन दोस्तों अभी जो है कुछ लोग उसके खिलाफ एक चाल एक साजिश जो है वो कर रहे हैं, तो हमें उनको रोकना होगा। अगर आपने आप कभी उस ग्रुप में रहे हो, उस व्हाट्सएप ग्रुप का अगर आप भी मेंबर हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल ये सब चीजें मत करो, ये बिल्कुल अच्छी चीजें नहीं है। अरे उस टाइम का सही इस्तेमाल करो, जाओ 3-4 वीडियोस बनाओ। ऐसा भी हो सकता है कि उस टाइम पर आप जो वीडियो बना रहे हो उस वीडियो में से एक वीडियो चल जाए, क्या पता आपका भी चैनल चल जाए। मनोज दे को मतलब ये सब करके आपको क्या प्रॉफिट हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, ऐसा होगा तो नहीं, कर तो आप नहीं पाओगे, लेकिन मान लेते हैं अगर हुआ कि आपने मनोज दे का चैनल डिलीट करवा भी दिया, कर भी दिया यूट्यूब ने उसका चैनल डिलीट, फिर भी आपको क्या मिल जाएगा? आप मतलब खाली हाथ थे, खाली हाथ ही रह जाओगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। एक दिन का सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ मैंने डिलीट करवा दिया, उसके बाद क्या, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सो इन सब चीजों में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो जबकि आपके पास ऑप्शन है, आप इस टाइम पर काफी अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकते हो, कुछ और काम कर सकते हो, इवन मनोज दे से इंस्पिरेशन ले सकते हो। देख सकते हो कि एक लड़का इतने छोटे से जगह से आकर कितना सक्सेसफुल हो चुका है, अभी उसके कितने सारे सक्सेसफुल चैनल्स चल रहे हैं, उसके बिजनेस हैं, तो आप उसका क्या ही कर लोगे। अगर जो लोग ऐसे रिपोर्ट करते हैं, कुछ लोगों को याद होगा थोड़े 1-2 साल पहले जब टिकटॉक YouTube हुआ था, तो सारे के सारे जितने यूट्यूबर्स थे उन्होंने जाकर TikTok की जो रेटिंग थी प्ले स्टोर में उसको 1.8 या ऐसा कुछ कर दिया था। लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया, 1-2 दिन बाद ही गूगल ने उसके जो रेटिंग थे वो नॉर्मल जितने थे उतने ही कर दिए एंड कहा गया कि ये एक साजिश था, तो ये चीजें यहां पर नहीं चलेंगी। तो आप इतना चालाक नहीं हो एंड यूट्यूब इतना बुद्धू नहीं है कि आप रिपोर्ट कर दोगे एंड यूट्यूब को लगेगा कि हाँ भाई इसका चैनल उड़ा देते हैं, वो भी जो है चीजों को देखेगा, ऐसे ही वो डिलीट नहीं कर देता। अगर मनोज कुछ गलत कर रहा है तो जरूर डिलीट होगा, लेकिन वो मतलब मेरे हिसाब से वो ऐसा इतना भी ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है। अरे कुछ तो शर्म करो, एक इतनी छोटे से गांव का लड़का इतना मेहनत किया, 1400 से ज्यादा वीडियोस अपलोड किया, 4 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं उनके, कुछ तो शर्म करो, उससे सीखने की कोशिश करो, या उल्टा ही मतलब उसी का खराब चाह रहे हो। दोस्त इस तरह से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, उसको पीछे खींचोगे तो आप और नीचे आओगे ना, आप ऊपर जाकर उसको पीछे नहीं खींच सकते। तो इस चीज को ध्यान रखो, अगर आप किसी को पुल कर रहे हो तो आप खुद भी नीचे ही जा रहे हो। एंड अभी मैंने सुना मनोज दे ने FIR वगैरह भी किया है एंड उन्होंने जो है साइबर क्राइम में रिपोर्ट भी किया है, एंड मेरे हिसाब से बिल्कुल सही किया है, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। देखो अगर आपको उसके खिलाफ कोई प्रॉब्लम है, सामने आकर पब्लिकली बोलो ना। जैसे उसका एक वीडियो था जो मुझे पसंद नहीं आया था, मैंने क्या किया, मैंने उसके खिलाफ एक वीडियो बनाया, मैंने बताया कि मेरे ओपिनियन में ये वीडियो गलत है। अब वो मेरा ओपिनियन था एंड सेम आपका भी कोई ओपिनियन हो सकता है, तो उसके सामने लावना वो चीज कि भाई आपका ये चीज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके एकदम पीछे ही पड़ जाओगे, है ना। एक बार बोल दिया कि आपका ये चीज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बाकी चैनल उसका, लाइफ उसका, उसकी मर्जी, वो जो चाहे वो कर सकता है ना। आपका यूट्यूब नहीं है, मेरा भी यूट्यूब नहीं है, मैं सिर्फ एक ओपिनियन दे सकता हूं कि मुझे ये चीज खराब लगा। तो वहां पर मैं मतलब मनोज दे का हेटर नहीं था उस टाइम, या आज भी उसका सपोर्टर नहीं हूं। यहां पर मेरा जो सवाल है, मतलब मेरा जो फंडा है वो है सच्चाई के साथ रहो। उस टाइम मनोज दे का वो वाला वीडियो मुझे खराब लगा था, तो मैंने उसके खिलाफ वीडियो बनाया। आज मनोज दे के साथ जो हो रहा है वो भी बहुत गलत हो रहा है, तो इसके खिलाफ भी मैं चुप नहीं रह सकता, किसी को आवाज उठाना होगा। जब उस टाइम पर मैंने वीडियो बनाया, मेरे बाद और भी बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए थे कि हां मनोज दे ने ये गलती किया। तो आई होप आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मेरे वीडियो के बाद और ऐसे वीडियोस भी आएंगे कि हमको मनोज दे का हेल्प सपोर्ट करना चाहिए। अब वो
चीज हम कैसे करेंगे? बड़ा ही सिंपल है। देखिए, अगर हेटर्स जो है वो उसको रिपोर्ट करे जा रहे हैं, कितना करेगा, 1000 2000, लेकिन हम इतने सारे लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम उसके चैनल का जो इंगेजमेंट है वो बनाए रख सकते हैं, जाके उसकी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं, जो चैनल डाउन हुआ पड़ा है उसको अप कर सकते हैं। हालांकि ये चैनल वैसे भी अप हो ही जाएगा, सिर्फ एक वीडियो की देर है, एक वीडियो आएगा 3-4 लाख व्यूज आ जाएंगे, अभी तो और भी ज्यादा व्यूज आएंगे क्योंकि लोग वेट कर रहे हैं उनके वीडियो का। तो ऐसा नहीं है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं मनोज दे का चैनल डिलीट करा दूंगा, आप बहुत ही गलत सोच रहे हो, पता नहीं कहां है आपकी सोच, शायद दिमाग घुटने में होगा। इंस्टाग्राम पर जो मनोज दे ने स्टोरीज अपलोड किया था, क्या आपने उनको देखा है? क्या मतलब वो बाहर था एंड वो मतलब वो पुलिस वाले से मिल रहा था, एंड आई होप जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको ये सब देख के थोड़ा सा डर तो लगा होगा कि भाई अब तेरा क्या होगा कालिया, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर होगा। अगर वो सच में ये सब चीजें कर दे जो वो करने वाला है, वो बोल रहा है, तो भाई तुम्हारी वाट लगने वाली है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, ये बात सुन लो, क्योंकि गलती तुम्हारी है, उसकी गलती नहीं है। उसने अगर किसी चीज का प्रमोशन कर भी दिया, अगर तुम्हारा यही खुन्नस है तो उसका चैनल है, वो प्रमोट कर रहा है एंड उसको उसकी वजह से स्ट्राइक मिल भी चुका है, तो ये सब चीजें तुम्हारी या मेरी बिजनेस नहीं है। तो मैं बस हर एक यूट्यूबर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई हो सके तो इस भाई की, मनोज दे की हेल्प करो, हालांकि उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से कुछ कर तो सकते हैं ना, तो ये चीज कर सकते हो। जाओ मनोज दे के सपोर्ट में, वीडियोस बनाओ, मनोज दे के वीडियोस को रीच दो, उनको हेल्प करो, वीडियोस को देखो, ताकि यूट्यूब को ये पता लग जाए कि मनोज दे के हेटर से ज्यादा उसके सपोर्टर हैं। मैं ध्यान दो, मैं उसका बिल्कुल भी फैन वैन इस तरह से कुछ नहीं बोल रहा हूं, बाकी सच्चाई का सपोर्ट करते रहो। एंड जो ये काम कर रहे हो भाई, जिस ग्रुप के साथ तुम जुड़े हो ना, जिस दिन तुम्हारा चैनल ग्रो हो जाएगा वो ग्रुप तुम्हें जरूर डाउन कर देगा, क्योंकि तुम तो मैक्सिमम 1-2 हज़ार सब्सक्राइबर करोगे एंड उस ग्रुप में जो लोग बैठे हैं वो बिल्कुल फेल है जिंदगी में, उनसे तो कुछ हुआ नहीं है, तो वो तुम्हें सबसे पहले रिपोर्ट करेंगे कि इसको पकड़, ये आगे बढ़ रहा है हमसे, तो तुम सबसे पहले जाओगे अगर तुम ग्रो कर जाओगे। तो इन सब ग्रुप को छोड़ के निकलो एंड जो काम करने आए हो वो करो, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाओ, आज नहीं तो कल ग्रोथ मिल ही जाएगा। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप भी इस चीज में सच्चाई का सपोर्ट करोगे एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में लाइक सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूंगा, आपकी मर्जी है, ये वीडियो मैंने इस सब के लिए नहीं बनाया, सच्चाई के लिए बनाया, सच्चाई को सपोर्ट करने के लिए बनाया, एंड आई होप आप भी सच्चाई को ही सपोर्ट करोगे।